वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फिर वे एक दूसरे साइड से घर के लिए दौड़ते हुए चली जाती हैं और अपने आप से ही सवाल कर रही थी कि उनको क्यों फ़र्क पड़ रहा है, क्या वे सही में काजी को प्यार करने लगी हैं। और इधर वे लड़की और काजी मिज़ोकी को जाते हुए देख लेते हैं। फिर काजी उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने उस समय ऐसा क्यों किया था, और तो और जबकि तुम्हारी एक्टिंग भी बहुत बेकार है और जबकि तुमको पता था कि वे यहीं पर काम करती है। तब वे लड़की कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं जानबूझ के किया है और मैं तो उसे एक अच्छी जगह पर जॉब दिलाने की भी बात मैंने उससे कही है। तब वे काजी कहते हैं उसे, वे अपने जॉब से बहुत प्यार करती है तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। तब वे लड़की एक शर्त रखती है कि अगर वे कंपटीशन में जीत जाता है तब वे मिज़ोकी को कभी भी परेशान नहीं करेगी, अगर वे हार जाता है तब वे उसके और मिज़ोकी के रास्ते में कभी भी वापस नहीं आएगा। और अगले दिन से मिज़ोकी का मूड बहुत ख़राब था और उसी कारण से वे अपना काम भी अच्छे से अब नहीं कर पा रही थी। और अब चेकअप के टाइम भी उसका मूड ऑफ था, जिसे देखकर डॉक्टर उससे पूछते भी हैं कि आखिर क्या हुआ है। तब मिज़ोकी वर्क के कारण मूड ऑफ है ये बोल देती है उन्हें। तब डॉक्टर मिज़ोकी को वापस दौड़ने के लिए भी बोलते हैं और आज फिर मिज़ोकी उन दोनों को साथ में देख लेती हैं। वे लड़की नाटक करते हुए मिज़ोकी को चॉकलेट देती है पर मिज़ोकी उसके लिए मना कर देती है कि उसे वे चॉकलेट नहीं चाहिए। फिर मिज़ोकी उन दोनों को साथ देकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिसके कारण वे वहां से चली जाती हैं। पर काजी को नहीं समझ में आ रहा होता है कि मिज़ोकी को आखिर हुआ क्या है, पर उस लड़की को तो सब ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। और इधर मिज़ोकी की कॉलेक्स उसके मूड ऑफ के लिए बहुत परेशान थी कि आखिर उसको हुआ क्या है और उसका मूड इतना ऑफ क्यों है। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो मिज़ोकी को थैंक यू बोलने आया था क्योंकि उसके कारण उसके दुकान का मैप ठीक हो गया है और उसके दुकान में भी और भी कस्टमर अब आसानी से पहुंच पा रहे हैं। फिर मिज़ोकी की कलीग्स भी उसका बहुत तारीफ़ करती हैं और यहाँ काजी कंपटीशन को जीतने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे। और तभी वहाँ पर मिज़ोकी आती है और वे उन्हें सीधे एक काजी को कह देती है कि वे उन्हें बहुत पसंद करती है। और काजी कहते हैं कि वे उनसे भी एक कदम आगे हैं, पर काजी मिज़ोकी से अपनी के लिए बस कुछ समय मांगते हैं और कहते हैं कि तुम अब मेरे जीत के लिए बस अब प्रेयर करो। और आज कंपटीशन का दिन आ चुका था और मिज़ोकी की जो कलीग्स थी, जो अब उनकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी दोनों, वे उन्हें आज बहुत ही अच्छे से रेडी करती हैं। और इधर कंपटीशन की तैयारी हो चुकी होती है, तभी सभी अपने अपने अच्छे वर्क को टेबल पर रख चुके होते हैं। और इस कंपटीशन में रेस्टोरेंट के स्टाफ के बीच ही कंपटीशन है। मिज़ोकी बहुत अच्छी लग रही होती है और सभी टेस्ट करने लगते हैं, हर एक पेस्ट्री का, हर एक डेजर्ट का। और फिर उसके बाद अब वोटिंग का टाइम आ चुका होता है और इस कंपटीशन के विनर होते हैं काजी। और ये सुनकर तो सभी के चेहरे पर खुशी होता है सिवाय बस एक चेहरे के, जो मिज़ोकी की राइवल है। फिर काजी बताते हैं कि मैं इस कंपटीशन में जीत बस एक के कारण मिला है और उसने मेरी पूरी तरह से मेरी लाइफ को भी चेंज कर दिया है। फिर बाहर हॉल से जब वे दोनों बाहर बात कर रहे होते हैं तब वहां पर वे लड़की आती है। फिर मिज़ोकी उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और क्या ही ज़रूरत था ये स्टूपिड सा डील का, क्योंकि काजी उनको ये सब कुछ बता चुके थे। उस पर वे लड़की कहती है, क्योंकि तुमने दौड़ना छोड़ दिया था, तुमने ही तो कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे को पुश करते थे, पर तुमको चोट लग गया और तुम अब रिटायर हो गई और तब मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा मुझे जीतने का और किसको हराने का। तो मिज़ोकी कहती है, बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपना गेम छोड़ दिया, कितनी अच्छी बात है कि तुमको कोई इंजरी नहीं है, तुम अभी भी दौड़ सकती हो।
अपना अभी भी पूरा कर सकती हो, पर तुम ये स्टूपिड से डील के पीछे पड़ी हो और मुझे हराने की। मैं तो कब का अब आगे बढ़ चुकी हूँ, फिर से मुझे पीछे नहीं जाना है। फिर वे लड़की वहाँ से चली जाती है, पर अभी भी मिज़ुकी उसके बारे में अच्छा ही सोच रही थी। और तभी काजी उन्हें पीछे से हक करके कहते हैं कि ये तुम बहुत अच्छी हो जो सबके बारे में अच्छा सोचती हो। तब तुमको अपनी बारी है, तुमको अपने आप के बारे में सोचने की। जिसे सुनकर मिज़ुकी को थोड़ा सैड फील होता है और वे उसे गले लगा लेती हैं।